साकिब हाँ नाइस थैंक यू सो मच मैन अप्रिशिएट इट तुर्किश सब्सक्राइबर हम लोगों ने करवा लिया है तुम लोग भी सब्सक्राइब कर दो यार हेलो जी वी आर बैक विद अनदर व्लॉग और आज जो है माज भाई आ चुके हैं हमारे पास कैसी हो हैं नई गाड़ी पे आए हो जी हाँ बस चलानी है मैंने मुझे नहीं पता डन हो गया ठीक है इंश्योरेंस है ना कहीं शायद ठोक ठूक दो तो मसला तो नहीं ना होगा ना ना सब कुछ इंश्योरेंस और कैसे हो आप टमाटर भाई जा रहे हो फिर तुर्की है तुर्की जा रहे हैं लेकिन यार एक मसला हो गया यार हमारी फ्लाइट जो है ना इसे दो दिन पहले है हमारी कल फ्लाइट है इसकी जो है 22 को फ्लाइट है आपको लेने आएंगे एयरपोर्ट फिर अब और अगर तुम लोगों ने अभी तक डक्की भाई ब्लॉग गैंग ज्वाइन नहीं किया तो अभी के अभी कर लो सब्सक्राइब करोगे तो बेल आइकन दबा देना बेल आइकन दबाना लाजमी है तो यार अभी मैं उठाऊं फ्रेश हुआ हूं नहाया तुम लोग देख सकते हो ये एडिटिंग वगैरह हो रही है अभी जो है माज भाई के साथ हम लोग शुगर मेला लगाने जा रहे हैं कोई रोटी शोटी खाने चलते हैं यार बल्कि मैं देखूं हमारी फ्लाइट का टाइम एग्जैक्ट है क्या 3 घंटे पहले पहुंचना पड़ेगा ना इंटरनेशनल फ्लाइट के हिसाब से अच्छा 4:20 यार ये पीएम या एएम यार कहीं लिखा नहीं हुआ लेकिन अभी कुछ घंटे के अंदर हमारी फ्लाइट है हाँ। अभी कुछ बाबे बाबे खोल ओए हमारी फ्लाइट कुछ घंटे के अंदर है अभी अभी मुझे पता लगा कि हमारी फ्लाइट जो है सुबह 4 बजे की है शाम 4 बजे की नहीं है तो जैसा कि तुम लोग देख सकते हो आज है 19 जून 7 बजा हुआ है 7 PM हो चुका है तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारी फ्लाइट 20 जून 4:20 को है तो हमारी 6 घंटे के अंदर फ्लाइट है तो जल्दी रोटी खाने चलो ना ताकि मेरे एयरपोर्ट जाए ऊपर वापस आके पैकिंग भी करनी है वो तो जाने से पहले जो है ना चाय वाय बना लेते हैं ठीक है इसको पानी डालो यार ये किसने पहले किसने बनाई है बाबे खोल दरवाजा ओए बाबे ये तेरे ये तूने बनाई थी चाय तेरे पियो का होटल है इसको साफ नहीं डस्टबिन में नहीं डाल सकता डालो 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 पानी डालो पानी डालो पानी डालो पानी डालो दूध ही नहीं है यार इतनी मेहनत हमने की है छोड़ मिस करा हाँ मिस करा आए 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 माज भाई की ब्रांड न्यू कार आए ओए 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 यार कितने की मिली है 55 नॉट बैड ये मैच ला रहा हूँ मुझे नहीं पता सच में हाँ मैच ला रहा हूँ माज भाई की नई गाड़ी है ब्रांड न्यू तुम लोग देख सकते हो बड़ी लेवल की अच्छा इंटीरियर है यार प्रीटी नाइस इंटीरियर लैम्बोर्गिनी टाइप स्विचेस हैं ये तो हाँ और ये टिल्ट भी हुआ है थोड़ा ड्राइवर की तरह पिक्चर नहीं है मोबाइल बंद हो गया इंस्टाग्राम है इंस्टाग्राम अगर है तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे फोटो लेके आपको पीएम कर देता हूँ क्या इंस्टाग्राम यूजर नेम जल्दी 50 सेकंड रह गए आमिर खान यूजर नेम आमिर खान नहीं होगा ना कुछ और होगा आमिर खान लिखा हुआ है व्लॉग में ले लिए लो व्लॉग में ले लिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना ठीक है क्लीनिंग कर रहे हो मजबूरी काम करो मैं सीढ़ी भी करता हूं, पढ़ता भी 9th क्लास ब्रो आपने अभी ये बात कह के जितने लोगों को मोटिवेशन दिया है ना पढ़ भी रहे हो अर्न भी कर रहे हो मेहनत भी कर रहे हो अल्लाह आपको बहुत तरक्की दे अल्लाह आपको बहुत आगे लेके जाए इंशाल्लाह जो आप स्ट्रगल कर रहे हो ना कसम से जो आप स्ट्रगल कर रहे हो ना बहुत कम लोग हैं इस मुल्क में खैर स्ट्रगल ठीक है यहाँ पे एक बंदा यूट्यूब चैनल खोलते 5-6 वीडियो बनाते यार व्यूज नहीं आ रहे यार मैं तो स्ट्रगल कर रहा हूँ डिप्रेस हो गया वो उसकी मेहनत देखी है तुम लोगों ने साथ स्कूल जा रहे काम शाम भी कर रहे उसको पता है कि भाई उसको पैसे चाहिए उसको बाहर रोड पे गाड़ियों की क्लीनिंग ही क्यों ना करनी पड़े वो कर रहे हैं बगैर ये सोचे कि भाई लोग उसको क्या कहेंगे ये वो ये होती है स्ट्रगल मैंने तो भाई सबसे महंगा वाला मंगवाया है 2300 रुपए का तो अभी जो है ना 2 डिशेज आई हैं और ये है हमारी तीसरी और ये भी रेडी होगी ये देखना ये होता है बटर होता है ये इसके ऊपर डलेगा और फिर ये फ्राई होगा आए ये तो लेवल है छिंटे मेरे पट्टों में पड़ रहे हैं आए चीज भाई ये है हमारे बीफ कट्स ये है हमारा लजानिया ये है बर्गर और ये है चीज बॉल ये इसको इसके अंदर पूरा का पूरा चीज है मैं खाना शाना खा के होटल वापस आ गए थे अभी माज गया घर अपने कहता मुझे कुछ काम वाम है तो वो फिर आएगा अभी हमें एयरपोर्ट छोड़ने वही जाएगा तो तुम लोग देख सकते हो मेरा लैपटॉप बैग शैग और कपड़े शपड़े कुछ पड़े हैं यहाँ पे इसको हम लोग कर लेते हैं पैक क्योंकि भाई 12:45 हो गया है और सिर्फ 3 घंटे रह गए हमारी फ्लाइट को ये बेल कौन दे रहे बाबा आ गया यार बस कर ओए जल्दी पैकिंग कर हमें निकलना है एयरपोर्ट के लिए जल्दी 2 मिनट मार फ्लाइट कल की नहीं थी फ्लाइट ओ यार कल की नहीं है फ्लाइट में तू ना रहा मैं तुझे कब का बता भी रहा बताने की कोशिश कर रहा अभी पैकिंग कर और दफा हो बहुत कम टाइम है 3:04:20 की है सुबह अभी 3 घंटे के अंदर फ्लाइट है जा तो है पैकिंग हो गई है लैपटॉप भी हमने रख लिया नीचे जाके चेकआउट मारते हैं और फिर माज मिलेगा हमें वहाँ पे वेट कर रहा होगा हमारा चल तू भी आ जल्दी आ अरे भाई छोड़ के अरे नहीं मुलाकात होगी टेंशन ना लो जल्दी आओ मिलते हैं ना वहाँ पर जाके मालिश करवा लिएगा मैं आपको लेने आऊंगा आराम से घूमेंगे डन है डन है डन है भाई क्यों उसकी गाड़ी फाड़नी है वो हेलो भाई उसने नई गाड़ी ली है यार क्या हो गया
अबे बंद नहीं होगी ना डिग्गी, ऐसी चलता ताजी हवा आएगी। तो यार एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है 5-10 मिनट में पहुंच जाएंगे। कोई डेढ़ बज चुका है, फ्लाइट हमारी इकोनॉमी क्लास है, ठीक है छोटी छोटी सीटों वाली और 5-6 घंटे की फ्लाइट है। अरे और भी आधी रात की, ना मैं सोया हूँ प्रॉपर्ली, कल भी मैं सही से नहीं सोया, पैसे नहीं थे ना, बिजनेस नहीं करा पाए। बाबे टांगे सीधी करने का कोई जुगाड़ निकालो यार। तो माज भाई हमें ज्वाइन करेंगे 2 दिन के अंदर, ऐसा ही है? ऐसा ही है, 2 दिन में ज्वाइन कर रहे हो फिर? खैर अभी हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए, तुम लोग देख सकते हो उसकी ओटी चेकिंग वगैरह हो रही है, तुम लोग अंदर मिलता हूँ। ले लो, 2 ले लो सेल्फी। अब्बू को छोड़ने आया हुआ है, वहाँ अब्बू को छोड़ के इधर आ गया। आपके पास मर गए यार भाई। ये देखो अब तो मैं जितने लोगों से मिलता हूँ ना, सारी व्लॉगर बन गए हैं भाई, तुम लोग देख सकते हो। सारे जो है ना रश इसलिए लगा हुआ है, सारे हज पे जा रहे हैं भाई। अल्लाह हमें भी बुलाए, मौका दे, तुर्की की जगह हमें सऊदीया लेके जाए उमरे पे, हज पे। खैर एनीवे, अच्छा यार क्या रखी, मिलते हैं फिर। है सात भाई की पहले टिकट हो गई थी और मेरी बाद में हुई है, सात भाई पहले जा रहे हैं और मैं बाद में आऊंगा। वही बड़ी लंबी लाइन से गुजरने के बाद जो है ना बोर्डिंग पास मिल चुका है। अभी हम लोग बैठे हैं रेस्ट वेस्ट करने, आराम करने हैं। ये भी आराम ही कर रहा है। नीचे जो है छोटी मोटी रिफ्रेशमेंट चल रही है, वो जाके पकड़ते हैं। क्या खाएगा बाबे? चीजें ले आऊं, पैटी वैटी लेता हूं साथ में प्लेट भर के। हाय 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 हाय, वैरायटी तो वाह ही लग रही है यार। हमला करते हैं यार। प्लेट भर के ले आए हैं और रुक जा, अभी केचप वगैरह भी लेके आ रहा हूं। ले आओ जल्दी ले आओ। क्या बच्चियों से बातें कर रहे हो यार? समोसा तो बहुत ही छोटा है यार, बिल्कुल तुम्हारे। अभी हमें पता लगा कि यार इस्तांबुल की फ्लाइट जो तुम लोग देख सकते हो वो जो सेकंड नंबर पे है वो आधा घंटा डिले हो चुकी है। बाबे आजा, आधा घंटा हो रहा है हमारे पास, आजा सोए। 1 hour later है। तो भाई फाइनली अनाउंसमेंट हो गई है, 3 घंटे हम लोगों ने तकरीबन वेट किया है। यार मुझे लगा कोई इंटरनेशनल जहाज होगा यार, ये कब से बोली जा रही है समझ आ नहीं रही, बोली जा रही है चुप ही नहीं हो रही। पता है यार बेल्ट कैसे लगाते हैं वो हमें सिखा रहे हैं, यहाँ पे बैठा एक भी बंदा उसको नहीं सुन रहा। फाइनली हम लोग जो है इस्तांबुल के किसी दूसरे एयरपोर्ट में लैंड हो चुके हैं। ये इनका कोई मेन एयरपोर्ट नहीं है, इंटरनेशनल वाला नहीं है, कोई डोमेस्टिक वाला है। तुम लोग देख सकते हो ये भी नॉट बैड है। अभी जो है मेरे अंदर यार एनर्जी जरा भी नहीं है, बाहर जाके जो है ना थोड़ी लंबी सांस लेते हैं। वो तुम लोग देख सकते हो वहाँ पे हम लोगों ने बैगेज कलेक्ट करना है। और कसम से इतनी कोई फजूल फ्लाइट थी यार, इतनी कोई फजूल फ्लाइट थी, 5 घंटे सोने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, पता नहीं इतनी कंजस्टेड सी जगह थी, मजा नहीं आया फ्लाइट का, तो मजा ही नहीं आया यार। थोड़े से पैसे और खर्च लेते ना, थोड़ा बिजनेस क्लास ले लेते, कोई थोड़ी काम की फ्लाइट ले लेते, लेकिन ये तो फजूल फ्लाइट थी। मेरी बॉडी इस वक्त बड़ी गंदी दर्द हो रही है। तुर्की के हिसाब से सुबह के 9 बज रहे हैं लेकिन पाकिस्तान में सुबह की 11 बज रहे हैं। अरे व्लॉग की टाइमिंग देखनी पड़ेगी यार, पाकिस्तानियों के हिसाब से व्लॉग की टाइमिंग देखनी पड़ेगी, रूटीन तो फारिग हो गई है। बैग आ गया भाई, आजा बाहर चले। शुक्र है उतरते ही जो है ना हमें मैकडॉनल्ड मिल गया, क्योंकि जहाज के अंदर तो हमें खाना मिला ही नहीं था। क्या ऑर्डर करना है कि मेन्यू पता नहीं आ रहा, तो हमें वही मंगवाना पड़ेगा जो अच्छा लग रहा है। एक्सक्यूज मी, कैन आई गेट 1 मैकरॉयल? That one? McRib? Yeah, with the burger only. Mukaiye yaar. Burger. CEO 34 I'm looking for. CEO 34. How are you, brother? What's your name? Saad Rahman. Saad Rahman. Yeah, I am Saad Rahman. Saad Rahman. I am Saad Rahman. Yeah. So which car are we going in? Lamborghini. So finally, जो है हमें मिल गया है। और यार, welcome to the Turkey. तुम लोग देख सकते हो क्या level का मौसम है। अभी मैं तुम लोगों को ज़्यादा नहीं दिखा सकता क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं ज़्यादा। Already जो है बड़ा level का लग रहा है, तुम लोग देख सकते हो, बहुत ही सी। अभी जो है हमारी गाड़ी आ रही है, उसमें बैठ के जो है हम लोग होटल चलते हैं और सबसे पहला काम करते हैं सोते हैं चुप करके। Oh, nice. Thank you so much, man. Appreciate it.
तुर्किश सब्सक्राइबर हम लोगों ने करवा लिया है, तुम लोग भी सब्सक्राइब कर दो यार। गाड़ी आ गई है हमारी, तुम लोग देख सकते हो, वैन पे जा रहे हैं हम। मुझे लगा लैम्बोर्गिनी आएगी भाई, लेकिन वैन भी कोई एमी एमी नहीं है भाई, मर्सिडीज की वैन है, मर्सिडीज की वैन पे जा रहे हैं भाई हम, नॉट बैड। चलो भाई, कैसा है? अच्छी है, वैन है ना, मर्सिडीज की वैन है भाई, रोमांटिक मॉल नीचे भाई, लेवल का मॉल है। एमी एमी तुम लोग कहोगे यार वैन में बैठा दे, तुर्की में आती है भाई, मर्सिडीज की वैन में बैठाया, मर्सिडीज की वैन, मजाक थोड़ी है। Brother, how long we are arriving? How soon? Yes. Yeah, to the hotel. How far? Till 25 minutes. 25 minutes still. Okay. Nice. What do you think of Pakistani people? Pakistan? Yeah. Pakistan, beautiful. Pakistan. Oh, thank you. Thank you. फाइनली होटल पहुंच चुके हैं, अभी मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कहां पे उतरे यार। मौसम बड़ा लेवल है यार बाबे, मजे का मौसम है। ओए होए होए, ये क्या है? एक्सक्यूज मी, व्हिच प्लेस इज दिस? शामी, शामे मॉस्क। ओह नाइस। होटल किधर है हमारा? होटल का नाम क्या था? मेरा जो डॉलर्स के साथ भी है। हां अच्छा, डोनाल्ड्स के साथ वाला होटल। होटल कैसा होगा ये? 5 स्टार है? नाम क्या है इसका? मेट्रो पार्क होटल में है जो ये हमारा स्टे। तो यार हम लोग एक बार चेकआउट कर ले, उसके बाद जो है ना मैं तुम लोगों को मिलता हूँ। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो यार होटल चेक इन हो गया, लेकिन अभी सीन ये हुआ है कि पता लगा है कि जो चेकआउट चेक इन टाइम है ना, वो है तुर्किश टाइम 2 PM को, और अभी हुआ है 11:28। अभी जो है ना वो हमें होटल के अंदर एंटर होने नहीं दे रहे, ठीक है? तो अभी हमारे पास 2 घंटे हैं खज्जल खवार होने के लिए। तुर्की में भी आके खज्जल खवार होने हैं यार। खैर थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। हमारा होटल जो है ना कुछ इस जगह पे है, लोकेशन तो बड़ी आला किस्म की लग रही है, और बाहर निकलो तो सामने ही जो है ना बड़ी लेवल की बिल्डिंग है, गाड़ियां शाड़ियां, और बड़ा अच्छा सीन है यार, साफ सुथरा माहौल है, बड़े नाइस और बड़े प्यारे लोग हैं। और मैं तुम लोग को एक मजे की बात बताऊं, कुत्ते बिल्ली ऐसे फिरते हैं यहाँ पे, वो देखो। आओ जी, और वो देख। मैं तुम लोग को बता दूं तुर्की की खास बात, कुत्ते बिल्ली ऐसे फिरते हैं। ये कुत्ता हो गया, फिर ये देखो एक, और फिर ये देखो, और फिर एक वो देखो, और इतना बड़ा कुत्ता है भाई। हेलो डॉगी। एक और निकला है, और ये अंदर से निकला है, कॉफी पी के निकला है। हाँ जी, कैसी थी कॉफी भाई? हाउ वाज द कॉफी ब्रदर? सुनते नहीं है वो, ये कुत्ते मुंह नहीं लगाते हमें, पाकिस्तानी है वो नहीं मुंह लगाते। तो यहाँ पे मैं व्लॉग को एंड कर रहा हूँ, ठीक है? अभी जो है सीन ये है कि हमें 2 घंटे बाद ही होटल के अंदर चेक इन मिल रहा है, हम लोग अभी लैंड हुए हैं, थका हुआ मैं बहुत ज्यादा, यहाँ से कॉफी वॉफी पकड़ के जो है ना मैं आराम करूंगा। हम लोगों से मैं अगले व्लॉग के अंदर मिलता हूँ कल। सब्सक्राइब का ही कहते बोल दे लोगों को, सुनने ही तो सुनते ही नहीं है। हेलो मुंह तो कर, एनीवेज लाइक और सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं कल लोग फिर।